पिटने वाला युवक निम्स यूनिवर्सिटी में नौकरी करता है, वहीं साथ में जो पिटाई करने वाला युवक है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इधर पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। जोधपुर के माथिया में वैसे तो कई शावक पड़े हो गए हैं, लेकिन इस वक्त हम बात करें दीपा की। आरटी श्रेणी द्वारा जन्म दिए गए कैलाश और रियाज बड़े होकर साथ साथ एक पिंजरे में आ गए हैं और माचिया की शान बन गए हैं। डॉक्टर श्रवण सिंह के नेतृत्व वाली टीम का दायित्व तो यही खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इन दोनों भाइयों की छोटी बहन दीपा अभी 4 महीने की है और उसकी भी सार संभाल दोनों भाइयों की तरह करना माचिया टीम की जिम्मेदारी में आता है। लिहाजा दीपा के सारे नखरे इन दिनों डॉक्टर श्रवण सिंह और उनकी पूरी टीम उठा रही है। जोधपुर के माचिया पार्क में बड़ी हो रही शावक दीपा के नखरे बड़े निराले हैं। कभी तो अपनी धुन में गोल गोल घूमती रहती है, तो कभी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, कभी गुर्राती नजर आती है, तो कभी प्यार से डॉक्टर सरवन सिंह और उनके सहयोगी डॉक्टर महेंद्र गहलोत के हाथ चाटने लगती है। जोधपुर का माचिया पार्क सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए कि यहाँ पर जो शेर है चीते हैं उनकी किस तरह से सार संभाल की जाती। एक तरफा प्रेम करने वाले किशोर ने नाबालिग किशोरी को जान से मारने की नियत से घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर अवस्था में किशोरी को जयपुर के लिए रेफर किया गया है। मामला सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे का है, जहां एक किशोर ने 10वीं कक्षा की छात्रा का पिछले कई दिनों से पीछा करा था। किशोर एक तरफा प्यार करता था, वहीं खुद से प्रेम जताने के लिए कई बार परेशान कर चुका था, लेकिन जब किशोरी ने अपनी सहमति नहीं जताई तो किशोर को ये नागवारा गुजरा और किशोरी को मारने के जुनून के चलते किशोरी के घर जा धमका। उस समय किशोरी छत पर पढ़ाई कर रही थी। आरोपी किशोर ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। चाकू के वार से किशोरी के कमर, सिर, सीने तथा हाथों में चाकू के गहरे घाव हो गए। परिजनों ने किशोरी को सवाई माधोपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया है। इसी दौरान भागकर बचने के इरादे से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे किशोर को पुलिस ने निरुद्ध कर लिया है। बांसवाड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के आह्वान पर आज अनास नदी पर बांध बनने की घोषणा के विरोध में विशाल सभा का आयोजन रखा गया। हेजामल गांव में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक मालविया ने कहा कि बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने अनास नदी पर 1,000 करोड़ की लागत से बांध बनाने की घोषणा की और माही का पानी दूसरे जिलों में देने की घोषणा की। इसका मैं और मेरी पार्टी विरोध करती है। पहले भी यहाँ पर माही व कटाना बांध बना, तब भी गरीब लोगों की जमीन गई और आज भी वो लोग बेघर होकर घूम रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये बांध नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री सदन में घोषणा को निरस्त करेगी तभी हमारा आंदोलन रोकेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी इस पूरे मामले में गंभीर दिखाई दी है और जिले के सभी नेताओं ने सीएम से बात की, जिस पर सीएम ने अनास नदी पर बांध बनने के बजाय मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में डेढ़मापुर हुंडई कार शोरूम से हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की एक कार को भी बरामद कर लिया है। चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने गत दिनों हुंडई शोरूम से हुई कार चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में शोरूम के 2 कार्मिकों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शोरूम कार्मिक नारायण सिंह और विशाल रावल शामिल है। बीते दिनों शोरूम से 2 कार चोरी होने के मामले सदर थाने में दर्ज हुए थे। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने 15 फरवरी को सर्किट हाउस ब्रिज के पास से कार और कार चालक हर्षित गोटन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी। पूछताछ में कार चालक हर्षित गोटन ने बताया कि कार चित्तौड़गढ़ के हाउसिंग बोर्ड सेकवा निवासी नारायण सिंह से खरीदी है। नारायण सिंह हुंडई शोरूम में कार्यरत है। नारायण सिंह ने अपने साथी कर्मचारी विशाल रावल के साथ मिलकर कंपनी गोदाम से कार को 1.5 माह पहले चुराया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि नारायण सिंह शोरूम में कार धुलाई का काम देखता था और विशाल कार बेसमेंट से निकालकर शोरूम के बाहर लाता था। इसी दौरान दोनों के चोरी की योजना बनाई और वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर पूरे घटनाक्रम ने यह तो तय ही कर दिया है कि घर का बेदी ही लंका डाता है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आज लेक सिटी उदयपुर में हुआ महत्वपूर्ण MOU। गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और स्थानीय नगर निगम के बीच हुए MOU पर हस्ताक्षर। दरअसल गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और नगर निगम उदयपुर के बीच हुए इस MOU के तहत शहर में पानी और स्वच्छता के लिए काम किए जाएंगे। MOU के तहत गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज के टेक्निकल इनोवेशन हब के रूप में काम करेगा। इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स,
शहर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से युवाओं को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शहर के पेयजल और सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए गीतांजलि इंस्टीट्यूट के तकनीकी एक्सपर्ट हाईटेक प्रयोगशाला में अपने रिसर्च के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुझाव भी देंगे और उन्हें लागू कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैसूर और फरीदाबाद के बाद लेक सिटी उदयपुर तीसरा शहर है जिसने स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर MOU पर करार किया है। सेवर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अंतर्राज्यीय पशुधन तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से तस्करी करके लाए गए 15 राजकीय पशु ऊँटों को मुक्त कराया गया है। साथ ही तस्करी के उपयोग में लाए गए एक ट्रक को भी जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार सेवर थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक ट्रक ऊँटों से भरा हुआ है, जिसे तस्करी करके वध करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा है। तुरंत फरत में सेवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NH 11 स्थित उच्चैन त्राये पर नाकाबंदी कराई, जहां ट्रक को रोककर पूछताछ की गई और मामला संदिग्ध लगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस ने ट्रक को खोलकर देखा तो उसमें बड़ी बेरहमी से 15 ऊंट भरे हुए थे। फिलहाल सेवर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार किए गए दोनों ही तस्करों से पूछताछ की जा रही है। भरतपुर जिले में हुई और भी ऊंट, गाय और पशुधन तस्करी की बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। सिरोही जिले के बाटेरा गांव में एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से मासूम की जिंदा जलकर हुई मौत, 3 वर्षीय बालक की हुई मौत। सिरोही जिले के रोहिडा थाना अंतर्गत वाटेरा गांव में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वाटेरा गांव में एक खेत पर बने झोपड़े में अचानक आग लगने से वहां पर एक मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई तथा मौके पर ही इस मासूम ने दम तोड़ दिया। इस बालक की उम्र करीब 3 वर्ष की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, परचून के सामान से भरे हुए ट्रक में था डोडा पोस्ट सहित ट्रक जब्त, दो गिरफ्तार। राजगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हिसार की ओर से एक ट्रक आ रहा है जिसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ है। इस पर राजगढ़ पुलिस ने गोटा गांव के पास नाकेबंदी करवाई। जब यह ट्रक आया तो उसको रुकने का इशारा किया। इस पर ट्रक चालक ट्रक को लेकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने इसका पीछा किया और ट्रक को पकड़ लिया। जब ट्रक की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि परचून के सामान के नीचे 4 कट्टों में 80 किलो डोडा पोस्ट भरा हुआ है। इस पर पुलिस ने ट्रक को डोडा पोस्ट सहित जब्त कर लिया और हरियाणा के बूटा सिंह व सरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जो सिरसा के रहने वाले हैं। राजगढ़ थाना अधिकारी भगवान साहिब मीणा ने बताया कि डोडा पोस्ट तस्कर बूटा सिंह व सरजीत सिंह से गहन पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जाएगा कि डोडा पोस्ट कहाँ से लाया गया था और कहाँ ले जाया जा रहा था। निगम के दो अधिकारियों के APO करने के मामले ने जमकर पकड़ लिया है तूल। इस मामले में एक पार्षद ने दे दिया है इस्तीफा तो निगम अग्निशमन के सभी कर्मचारी अपनी दमकलें और वाहन लेकर धरने पर पहुंच गए निगम कार्यालय। अग्निशमन विभाग के अधिकारी राकेश व्यास को APO करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अधिकारियों को APO करने की आग की लपटों में पूरे नगर निगम प्रशासन को अपनी चपेट में ले लिया है। नाराज कर्मचारी दमकल गाड़ियों के साथ पहुंच गए नगर निगम परिसर में और धरना शुरू कर दिया, प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। वहीं अधिकारी राकेश व्यास को APO करने के विरोध में आपदा प्रबंधन के चेयरमैन और मौजूदा पार्षद अतुल कौशल ने भी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही नगर निगम महापौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर तानाशाही रवैया अपना रहे। अतिक्रमण पर कार्रवाई करना इन दोनों अधिकारियों को भारी पड़ा था। मेयर ने इस मामले में शिकायत की थी और शिकायत पर ही राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता AQ खान और अग्निशमन के अधिकारी राकेश व्यास को APO करने का आदेश जारी किया। दिन भर हंगामा हुआ और फिलहाल ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा में आज का दिन भी खासा हंगामेदार रहा और आज सत्ता पक्ष ने विपक्ष को खूब घेरा और आज विपक्ष को घेरने के लिए आधार बना नेता प्रतिपक्ष का वीडियो बम।
विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ आज की कार्रवाई सुचारू हुई। हालांकि पीपीपी मोड पर स्कूली शिक्षा के संचालन के मामले में हंगामा होने की आशंका थी, लेकिन शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने बड़े ही चतुराई से जवाब दिया और कहा कि फिलहाल सरकार ने इस मामले को स्थगित कर दिया है। विधानसभा के प्रश्नकाल में तो ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन प्रश्नकाल खत्म होने के बाद कार्रवाई एक मिनट भी शांति से नहीं चली। दरअसल नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का एक वीडियो चर्चा में आया, जिसमें वो सट्टेबाजी की बात करते हुए दिखाए जा रहे हैं और अपना भी कुछ पैसा सट्टे पर लगे होने की बात कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो यह अवैधानिक गतिविधि है, नेता प्रतिपक्ष को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई कि हो सकता है कांग्रेस के ही कुछ लोग नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हों। राजेंद्र राठौड़ ने बाहर यह भी कहा कि जब से नेता प्रतिपक्ष का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आया है, तब से उनके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने वीडियो पर सफाई देते हुए पूरे मामले को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वो गांव डाहनी से आते हैं, उन्हें ना सट्टेबाजी से कोई वास्ता है, ना उन्होंने कभी सट्टे पर पैसा लगाया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी इस वीडियो से और सट्टे की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में तस्वीरें और उनकी आवाज कुछ और ही कह रही है। हालांकि गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि अगर उनके पास जांच के लिए मामला आएगा तो वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे। कटारिया ने यह भी कहा कि जांच से पहले वे किसी पर कोई आरोप तय नहीं करते। बीकानेर यूआईटी में आज हंगामा बरपा। भाजपा नेता श्याम हाड़ला ने ही यूआईटी सचिव पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा दिया। दरअसल श्याम हाड़ला कल एक दुर्घटना में मौत के मामले में यूआईटी पहुंचे थे। उनकी मांग थी वहां स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। हालांकि आज यूआईटी ने स्पीड ब्रेकर बना भी दिया, लेकिन इस दौरान न्यास सचिव और श्याम हाड़ला के बीच जमकर तूतूमेमें हुई। बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेंद्र देवड़ा और भाजपा के कुछ नेता यूआईटी पहुंच गए थे, जिन्होंने समझाइश कर मामला शांत कराया। दूसरी तरफ नगर निगम में आज भी प्रशासनिक अधिकारियों, कार्मिकों और मेयर पार्षदों के बीच गतिरोध जारी रहा। हालांकि भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य की अगुवाई में सुलह की कोशिश हुई, लेकिन बात बनी नहीं। कहा जा रहा है नौ बिंदुओं पर बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि बीकानेर में मेयर के साथ कुछ पार्षद एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी और कार्मिक इस बात से नाराज हैं कि एपीओ का प्रस्ताव लाया गया। साथ ही साथ एक पार्षद द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर भी विरोध पनप गया था। अब ये देखना होगा कि क्या शहर भाजपा की कोशिश रंग ला पाएगी, क्योंकि वहाँ पर लगातार गतिरोध चल रहा है। मेयर और आयुक्त के बीच पहले भी कई बार ठनी है, इस बार पार्षद मेयर के साथ जरूर है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी विरोध में है। बीकानेर में विद्युत कर्मचारियों का चल रहा धरना आज पांचवें दिन हुआ समाप्त। विद्युत अधिकारियों ने मिठाई खिलाकर धरना करवाया समाप्त। बीकानेर शहर के विद्युत निजीकरण के बाद कर्मचारियों के स्थानांतरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों ने निगम के संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय के आगे गत पांच दिनों से अनिश्चितकालीन धरना लगा रखा था। ये कर्मचारी स्थानांतरित हुए कर्मचारियों को पुनः बीकानेर में पद स्थापित करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार विद्युत निगम की एमडी आरती दोगरा के साथ कर्मचारियों की हुई वार्ता और आश्वासन मिलने के बाद आज कर्मचारियों का धरना पांचवें दिन समाप्त हो गया। विद्युत निगम के एससी हवा सिंह ने मिठाई खिलाकर कर्मचारियों का धरना समाप्त करवाया। गौरतलब है कि बीकानेर शहर के विद्युत निजीकरण के बाद करीब 60 कर्मचारियों का चूरू तबादला कर दिया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज आखिरकार आर्मी के अधिकारियों की ओर से सैनिक गणेश झा को रिहा कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में सवेरे सैनिक गणेश झा को पेश किया गया और पेश करने के बाद जब सुनवाई हुई तो इस दौरान गणेश झा भावुक भी हो उठा, क्योंकि आर्मी के अधिकारियों पर लगातार ये दबाव रहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की। गणेश झा की पत्नी पिंकी झा ने राजस्थान हाईकोर्ट में तीसरी बार याचिका पेश की थी। सेना के अधिकारियों के द्वारा गणेश झा को अनलीगल रूप से 20 दिन तक हिरासत में भी रखा गया, जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता एसपी शर्मा ने पक्ष भी रखा कि सेना के अधिकारियों ने तीन बार राजस्थान हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद उसे रिहा नहीं किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कल गंभीरता दिखाते हुए इस मामले में आज सैनिक गणेश झा को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। सवेरे सेना के अधिकारी गणेश झा को लेकर कोर्ट पहुंचे, उसके बाद
कोर्ट में पेश किया गया। जैसे संगीत राज लोढ़ा की अदालत में आज सुनवाई के दौरान गणेश झा भावुक नजर आया और उसकी पत्नी पिंकी झा भी भावुक थी। राजस्थान हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग पेश करने के बाद गणेश झा को रिहा कर दिया गया है। बारह के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अजमेर से नवनिर्वाचित कांग्रेस के सांसद रघु शर्मा। बारह जिले में दर्जनों जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और पीसी उपाध्यक्ष प्रमोद जैन भाया सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद रघु शर्मा का शहर में ब्राह्मण समाज की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर ब्राह्मण समाज ने सांसद का जोरदार स्वागत का फरसा भेंट किया। इसके बाद सांसद राजकीय महाविद्यालय आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भाग लेकर सीतावाड़ी में आयोजित कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग पहुंचे। इस दौरान सांसद रघु शर्मा ने पीसीसी उपाध्यक्ष एवं अजमेर प्रभारी प्रमोद जैन भाया की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रमोद जैन भाया ने अपने 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ अजमेर में चुनाव प्रचार में 2 महीने जुटे रहे, जिनकी मेहनत से ही मैंने जीत हासिल कर पाया और आज 12 में भाया का ही आभार व्यक्त करने आया हूँ। कांग्रेस की उपचुनावों में जीत से कांग्रेसी कार्यकर्ता जमकर उत्साह दिखे और सांसद का भी जिले में जोरदार स्वागत किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के किसानों ने टोल रोड के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण के विरोध में जमीन में गड्ढे खोदकर समाधि लेकर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सालासर से लक्ष्मणगढ़ होते हुए मुकनगढ़ तक बनाए जाने वाली टोल के लिए भूमि अधिग्रहण का किसानों ने विरोध तेज कर दिया है। आज बासनी और बंजारा बस्ती इलाके के किसानों ने समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया। किसान नेता नरेंद्र बाटड़ के नेतृत्व में किसानों ने जमीन में गड्ढे खोदे और उसमें समाधि लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों ने सरकार पर किसानों की अनुमति व सहमति बिना भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाया है, साथ ही उचित मुआवजा नहीं देने का भी आरोप लगाया है। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी जमीन का अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।